गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट होना बेहद ज़रूरी है। ये आपको मौका देता है कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी को समय के हिसाब से वो आगे पीछे आप कर सकें। ना तो आप किसी के खिलाफ बहुत जाएं, ना तो आप किसी के पक्ष में बहुत आ जाएं। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स यानी कि मोहम्मद मुजू, जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, तब से इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे जहां पे ये हमारे खिलाफ कह रहे थे। लेकिन अब देखा गया है कि मोहम्मद मुजू के द्वारा 21 मार्च को एक पहला इंटरव्यू दिया गया है जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से, और उस इंटरव्यू में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से कि भारत ने जो लोन दिया है मालदीव्स को, यानी कि लगभग वो कुछ 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का लोन है, उसके रीपेमेंट में मोहम्मद मुजू ये उम्मीद कर रहे हैं भारत से कि उसके रीपेमेंट में कुछ रियायत बरता जाए। अब क्योंकि मोहम्मद मुजू को प्रेसिडेंट बनाने के पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा रोल था, इनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को चाइना ने ही फंड किया था, तो इसलिए भी मोहम्मद मुजू का ये कंपल्शन हो जाता है कि उनके द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिया जाए वो हमारे खिलाफ रहे और वो सारा काम करे जो चाइना उनसे करवाना चाहता है। अब देश श्रीलंका हो गया या मालदीव्स हो गया, इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि चाइना हो गया या भारत हो गया, ये बढ़ चढ़ के इन देशों में वो डेवलपमेंट के काम करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि चाइना फंसाता है अपने डेट ट्रैप पॉलिसी में। कहने का मतलब है कि चाइना बहुत ही चतुराई से छोटे मोटे देशों को इतना लोन देता है कि वो छोटे मोटे देश कभी भी उस लोन को रीपे ही ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ ऐसा देखा गया है कि भारत के द्वारा जो डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट काम होते हैं। उसके बाद भारत काफ़ी लंबे सालों से मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वो कर रहा है और कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई प्रेशर भी जनरेट नहीं किया जाता है भारत के द्वारा। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि क्यों बीते 4-5 महीनों में मोहम्मद मुजू को ये समझ में आ गया है कि भारत और चाइना के बीच में वो भारत पे ट्रस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि उनके इलेक्शन कैंपेन को चाइना ने फंड किया था और जब वो प्रेसिडेंट बने होंगे तो शायद काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। तो वो भी एक वजह रहा होगा कि क्यों वो बढ़ चढ़ के हमारे खिलाफ वो अपने स्टेटमेंट्स को वो दिए थे, क्योंकि मालदीव्स को भारत को जो लोन लिया गया था उनके द्वारा उसे वो रीपे करना है, और मालदीव्स की जो इकॉनमी है वो कह ले कि 95% जो इनकी इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है टूरिस्ट के ऊपर, यानी कि टूरिज्म के ऊपर। अब क्योंकि मालदीव्स ने जो लोन लिया है भारत से, अब उस लोन को उसे रीपे करना है, उसके बाद मालदीव्स की जो इकॉनमी है वो हाईली डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, उसमें भी कुछ लगभग 30 से लेकर 35% जो लोग हैं वो भारत से ही जाते हैं मालदीव्स। उसके बाद क्या होता है, इसी साल के जनवरी के महीने में पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ पर जाके वो कुछ फोटोज़ और कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं और साथ में वो ट्वीट करते हैं भारतीयों के लिए कि वो लक्षद्वीप जाएं और वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है जाके उसको वो एक्सप्लोर करें। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जितने भी जो भारतीय मालदीव्स के लिए अपने टिकट करवा रखे थे पहले से, मेजॉरिटी ऑफ लोग उस टिकट को कैंसिल करते हैं और लक्षद्वीप की तरफ वो जाते हैं। साथ में और भी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो अनाउंस करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं लक्षद्वीप में। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि मोहम्मद मुजू बढ़ चढ़ कर हमारे खिलाफ वो स्टेटमेंट्स तो दे दिए, लेकिन उनका स्टेटमेंट देने के बाद बहुत सारे जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी उनको बहुत जल्द उनको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मालदीव इतना ज़्यादा झुक चुका है चाइना की तरफ कि उसके लिए अब एक्ट ऑफ बैलेंस को मेंटेन करना ही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। उसके बाद मालदीव्स में हमारे कुछ 3 रेस्क्यू चॉपर्स या हेलीकॉप्टर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और उन तीनों रेस्क्यू चॉपर्स को मेंटेन करने के लिए हमारे टोटल वहाँ पे 88 आपके फोर्सेस रहते हैं, क्योंकि जब से मोहम्मद मुजू प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेके अब तक वो कॉन्टिन्यूसली भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी जो हमारे वहाँ पे फोर्सेस हैं उनको भारत वहाँ से वापस बुला लें। इन अ वे हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से अब मालदीव्स जो है वो कॉलोनी बनता हुआ जा रहा है चाइना का, और इस बात का एहसास मोहम्मद मुजू को होना शुरू हो गया है। अब चाइना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो मालदीव्स या श्रीलंका जैसे देशों को अपना कॉलोनी बनाए, क्योंकि मालदीव्स और श्रीलंका का जो रूट है वो एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का वो हिस्सा हो जाता है। अब उन सब पूरे एरिया में जो इंडियन नेवी है, जो हमारे फोर्सेस है, उनका प्रेजेंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा है,
या यूं समझ ले कि उस पूरे एरिया में जो हमारे फोर्सेस है उस पूरे एरिया को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इनकेस अगर कल को भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरीके का अगर बगझग होता है तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के तहत हम गल्फ ऑफ एडेन, रेड सी, जब भी वहां से कोई चाइनीज शिप गुजरे तो उसको वहां पे हम चोक कर सकते हैं। तो इन अ वे हम कह लें कि जिस तरीके से मोहम्मद मुजू ने अपने फॉरेन पॉलिसी को चाइना को हैंड ओवर कर दिया, इसका जो इम्पैक्ट है वो मोहम्मद मुजू को दिखना शुरू हो गया। शायद ये भी सबसे बड़ा वजह है कि क्यों मोहम्मद मुजू अपने टीवी इंटरव्यू में भारत को अपने क्लोज अलाय भी कहते हैं और साथ में वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि भारत के द्वारा मालदीव्स में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।